हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5th रीड करेंगे जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं। इन मामलों के लोग इन संगठनों में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे, किसी तरह वे न्याय को पाने के लिए तिरस्ते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार को प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बाजार में उपभोक्ता, बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उद्योगों और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तु होती है। पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या उसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया। इनका महत्व असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी तरह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार एवं बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाब पेच अपनाते हैं। सामय ग्रहण के कारण भी उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे सपना जैसी महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो नियोजित नहीं होती है और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हमने नियमों एवं विनियमों की बात की। ऐसी कोई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है क्योंकि अकेले उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई भी शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा अगर वह पसंद नहीं आया तो आता है तो कहीं और चाहिए। मानव बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। बाजार में शोषण कई रूप से होता है। उदाहरण से कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उत्पादक कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पादक के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों से तक बेचा। कई वर्षों से लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे झूठे दावे करती आ रही थी। इस तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए उनका उत्पादक कैंसर के कारण हो सकता है न्यायालय ने लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता है।
उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यापारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होते थे तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पादों को खरीदने बंद कर देते थे, उस दुकान को खरीदारी करना बंद कर देते थे। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों के में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इनसे वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दिया। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए आशंकाओं के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खरपतवारता एवं खाद्य तेल में मिलावटी की वजह से 1960 के दशकों में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशकों तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों को लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्रा, यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसाय कंपनियों और सरकारों दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनाना था, जो COPRA कोबरा नाम से प्रसिद्ध है। या आप कोबरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा सबका अधिकार है। रिजी की वथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसे बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है जो यदि खराब होता है तो भयंकर दुर्घटना के कारण हो सकता है। सेफ्टी वॉल्व के निर्माता को उसकी अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन क्या किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार के निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयव, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्तु खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारी देनी पड़ती है? यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने
का अधिकार है, तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसको खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा पर नहीं छपी है तो विनम्रता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह ये यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यदि अधिकतम खुदरा मूल्य के द्वारा अंकित किया हुआ होता है तो वस्तु तो उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। आज सरकार प्रौद्योगिकी विविध सेवाओं को उपयोग को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। RTI एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों द्वारा समझा जा सकता है। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है तो तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इसी प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहा जाना चाहिए। ड्रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें जो पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। ये कुछ उदाहरण है जिनमें उपभोक्ता के अधिकार भी अवलेहन की गई है। ऐसी घटना अक्सर हमारे देश में घटती होती रहती है। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहा जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उससे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। आप ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसे प्राप्त नहीं हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वो सभी विस्तार से नीचे दिए गए हैं। आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में या समूह के रूप में जिसी क्लास एक्शन सूट कहा जाता है शारीरिक रूप से अथवा इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने मुकदमे की कार्रवाई करवा सकते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के विभिन्न संगठनों के निर्माण की पहल की गई जिन्होंने सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। यह उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करती है कि वैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये इन आयोगों में
व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यह स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूक पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं अपने तो अपने निवासी कल्याण संघ का नाम पत्र अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपर के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का प्राधिकरण जिसे उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र भी कहते हैं 1 करोड़ तक के दावे से संबंधित मुकदमे पर विचार करता है। राज्य स्तरीय प्राधिकरण जिसे राज्य आयोग कहते हैं 1 करोड़ से 10 करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकरण राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से ऊपर के दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर से आयोग में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के आयोग में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आयोग में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय की प्रतिनिधित्व का आधार देकर हमें समर्थन बनाया है। जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए आवश्यक बातें, जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार के प्रति सचेत होंगे तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करेंगे तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरत होती है। अब हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठ के विज्ञापनों को देखिए। आप क्या सोचते हैं? कॉपर अधिनियम के केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने के मुख्य भूमिका अदा की है। जो आप विज्ञापन में देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है जिसका वे प्रयोग कर सके। आपने टेलीविजन चैनलों पर ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1986 में इस दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत में उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूह की संख्या और उनकी कार्य विधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं जिनमें से केवल 50-60 अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। फिर भी जो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ता को वकील का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे आयोग की कार्यवाही में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में परिणाम जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियों छोटे फुटकर दुकानों से होती है। उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने हेतु कॉपरा का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ था जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद है तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदारी में ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ और सहायता से विवादों के निपटाने को अब उपभोक्ता आयोग के सभी 3 स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया। कॉपरा के अधिनियमों के 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खासतौर पर संगठित क्षेत्र में ये कमजोर है। इस प्रकार बाजारों में
के कार्यों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता, फिर भी उपभोक्ता को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। ये अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। थैंक यू।